Yeah.
श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आज पंचम दिवस का प्रातःकालीन मेला का मांगलिक शुभारंभ करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कल की कथा में परम पूज्य श्री सुखदेव जी को मुखारविंद से राजा परीक्षित बड़ी ही पावन भगवान की नरसिंह अवतार की कथा और समुद्र मंथन की कथा श्रवण कर रहे थे। हिरण्यकश्यप के मन में अभिमान था कि हम भगवान बन जाए, हम भगवान बन जाए। आपने कभी सोचा स्वयं भगवान मनुष्य बनना चाहते हैं? कल्पना करो, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान मनुष्य बनकर के इस धरती पर आना चाहते हैं, यानी कि जिस देह के लिए देवता तरसते हैं हमें वो सहज रूप से प्राप्त हुआ है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं हम भगवान बन जाएं। तो यहां एक मतलब की बात बताऊं, अब जितने लोग कथा में आए हैं कभी भी हमने कुत्ता से कहा कि तुम कुत्ता बनो, हमने कभी गधा से कहा तुम गधा बनो, नहीं कहा, क्योंकि गधा गधा ही है। कुत्ता 100% कुत्ता है, बात को ध्यान से सुनो। लेकिन एक हम है जो घर के लोग समझाते हैं इंसान बनो, इंसान इंसान बनो। हम अभी इंसान तो ढंग से बन नहीं पाए। जब हम बच्चों को समझाते हैं अरे मनुष्य बनो, मनुष्य इंसान बनो, कभी कुत्ता से हमने कहा तुम कुत्ता बनो? हमने कभी जानवरों से नहीं कहा तुम जानवर बनो। लेकिन ये उपदेश हमें क्यों दिया जा रहा है कि तुम मनुष्य बनो? यानी कि रूप हमारा है लेकिन कहीं से भी हम इंसान लगते नहीं हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 100% जानवर जानवर है लेकिन हम 100% इंसान आज तक नहीं बन पाए, इससे बड़ी दुख क्या हो सकता है? इंसान के रूप में है, हम इंसान तो नहीं। हिरण्यकश्यप के अंदर मैं था, एक गांठ बन गई मैं की, मैं भगवान हूं, मैं समर्थ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बहुत ध्यान से देखो, यहां समझने की बात यह है, अगर आपने मैं किया तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। आप जितने मेरे बुजुर्ग लोग कथा में आए हैं, माताएं लोग आई हैं, बचपन में हम बच्चों का हाथ पकड़ करके मेला चलते हैं, घूमने जाते हैं। मान लो आप जितने मेरे बुजुर्ग कथा में आए हैं, आपने बेटा से कहा तैयार हो जाओ, छोटा सा बच्चा बाप से पूछा कहाँ जाना है, चलो तुझे मेला घुमा के लाते हैं। भैया जब बाप ने हमसे कहा चलो मेला घुमाने ले चलते हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? घर से ले जाना,
हाथ पकड़ के मेला दिखाना, रास्ते में चाट पकौड़ा खिलाना और सुरक्षित घर तक लाना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी है। क्यों? बाप ने कहा मैं हूं ना, चलो जहां मैं होता है जिम्मेदारी आपकी बन जाएगी। वही बाप बुढ़ापा आ गया, ठीक है, अब बेटा कमाने लग गया। एक दिन बेटा ने आपसे कहा चलो ना पिताजी, कहा हरिद्वार चलते हैं, छुट्टी है। अब आप जितने बुजुर्ग लोग बेटे बताओ, अब जिम्मेदारी किसकी है? अब बेटा की जिम्मेदारी है। अब आपको हाथ पकड़ करके ले जाना घर से, सुरक्षित घर लाके छोड़ना बेटा की जिम्मेदारी। क्या अब बेटा ने कहा मैं, बाबूजी मैं हूं ना, चल। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था, अगर आपने यही जिस कर्म में मैंने किया मेरा है मैंने किया, अगर आपने ऐसे जीवन में ये शब्द मैंने रटा, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन भक्त क्या कहता है? भक्त कभी मैं नहीं कहता, तुम। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की जिम्मेदारी है। प्रहलाद के लिए तुम और हिरण्यकश्यप के लिए राजी से चाय के लिए हाल चाल क्यों उसने गोदी में क्यों उठाया, बुलार क्यों किया? दुष्टों को मारना भी भगवान की जिम्मेदारी बन गई, तो को गर्म बैठना उसकी जिम्मेदारी है। घर से ले जाना और घर तक वापस लाना उसकी जिम्मेदारी है। और एक चीज बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना बाबा, बकरी होती ना, बकरी जिंदगी भर क्या कहती है? मैं। जिंदगी भर बकरी मैं करती है। लेकिन वही बकरी जब मर जाती है तो उसके जो आंत होता है, आंत बकरी का आंत, उसे तांत बनता है। तांत समझते हैं? तांत जिसे रुई धुना जाता है। अब उसको जो भी अपना मुंगेर की भाषा में आप समझो, लेकिन जब आंत से तांत बना तब आवाज क्या निकलने लगी? तब तो फिर मैं की आवाज निकलती, फिर तब तो तुम तुम तुम। जब रुई धुनते हैं तो आवाज क्यों उनसे निकलती है? अगर तुम 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 निकलती है। ये जो मैं, यही हिरण्यकशिपु है, मरना ही नहीं चाहता है। उसके बाद हम सब सुन रहे थे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की विशेषता क्या है? इंद्र ने संपत्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, लक्ष्मी मिल गई, तो फिर मंथन छोड़ देते। बस समझ में आ रही? बंद कर देना चाहिए था भाई, जिस काम के लिए देवताओं ने ये जतन किया, फल मिल गया तो छोड़ देते। बोल वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन समुद्र मंथन बंद नहीं हुआ, चलता रहा। कब तक चलता रहा? जब तक अमृत नहीं निकला। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक अमृत नहीं निकला तब तक ये काम चलता रहा। मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं थोड़ा और हल्का करके बता दूं। माता लोग संख्या में ज्यादा है, हमने पूजा किया, भगवान से क्या मांगा? बेटा मांगा। फिर हम क्या करेंगे? बेटा तो भगवान ने दे दिया, उसके बाद माला उठाई, खूंटी में टांग दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे बेटा के लिए तो पूजा किया, बेटा मिल गया, अब जय सिया राम।
इसलिए हम दुखी हैं। बंद मत करो, उसको चालू रखो, उसको चालू रखो। समुद्र मंथन हुआ संपत्ति प्राप्त करने के लिए, इसमें दो राय नहीं है, तो लक्ष्मी मिल गई, छोड़ देते। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं, जैसे आपका और दिमाग में बात बैठ जाएगी। विश्वामित्र जी, अब आज शाम की कथा है लेकिन पहले सुन दो। विश्वामित्र जी आए अयोध्या में, विश्वामित्र जी ने क्या मांगा दशरथ जी से? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होऊं सनाथा। दशरथ जी ने पुत्र दिया, ले गए। अच्छा आप जितने लोग कथा बेटे बताओ, हमारा ये पूजा, ये पाठ, ये कथा, ये भागवत, ये गंगा, ये तीरथ, ये जितने हैं किसके लिए? राम मिले, राम की प्राप्ति हो, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी को जब राम जी मिल गए, वापस बक्सर जा रहे थे, बक्सर के है ना बाबा जी। हे भगवान, रास्ते में विश्वामित्र जी के मन में आया सारा जतन राम प्राप्ति के लिए है, राम तो मुझे प्राप्त हो गए, अब यज्ञ करने की क्या जरूरत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पढ़ना। पूजा पाठ का मतलब क्या, तपस्या का मतलब क्या? राम प्राप्ति। तो राम मिल गए, अब जब राम मिल ही गए, अकेले नहीं राम आए, लक्ष्मण के साथ राम लक्ष्मण दोनों मुझे मिल गए, अब मुझे यज्ञ करने की क्या जरूरत है? गुरु जी के दिमाग में बात घूमने लगी, भाई छोड़ो अब यज्ञ योग्य करने की जरूरत नहीं, भगवान मिल गए। लेकिन सवेरे भगवान ने क्या कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। गुरु जी अगर आप रात भर यही सोच रहे थे यज्ञ नहीं करना है, राम मिल गए, तो मन में कोई द्वंद्व मत रखी, यज्ञ तो करना पड़ेगा, राम मिले चाहे ना मिले। कब तक? जब तक अमृत ना मिले तब से गुरु कैसे रहे। तीसरी बात, मतलब की बात ध्यान से सुनना। ये बताइए, अमृत निकला, निकला, छीन लिया, बोले छीन लिया, किसने? दैत्यों ने। अब यहां समझने की बात यह है, सबसे कीमती समुद्र मंथन में सबसे जो कीमती कुछ किसने की, वो है अमृत। बाबा बिना मांगे अमृत दैत्यों ने उठा करके मोहिनी भगवान को दे दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कोई लड़ाई तो नहीं की मोहिनी भगवान से, किसी ने लड़ाई किया? मोहिनी भगवान ने छीना थोड़ी, ऐसे ही दिया। क्यों? और आप सबको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पूरे दुनिया में सबके मंदिर हैं, लेकिन आपने कभी मोहिनी भगवान का मंदिर देखा है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? बोले होगा ही नहीं। आप बता होगा क्यों नहीं? बोले होगा इसलिए नहीं, शुभदेव जी खुद मना कर रहे हैं। क्यों? मोहिनी माया है, मोहन इतने सुंदर, मोहिनी कितनी सुंदर होगी, कल्पना करो। मोहिनी मतलब ठाकुर जी की भगवान महादेव तक मोहित हो गए मोहिनी का। अरे मैंने कहा ना, मोहन इतने सुंदर, इतने जादूगर, मोहिनी क्या होगी? इतनी सुंदर देख करके दैत्यों ने अमृत पूरा का पूरा दे दिया। क्या अर्थ निकाले? दैत्य जो है ना, दैत्यों की पहचान क्या है? सुरा और सुंदरी, उनसे बोलो श्री कृष्ण। और हम जितने मुंगेर के लोग कथा में आए हैं, हमारा दिमाग कहां रहता है? अमृत में। झूठ मत बोलो, किसी को सुरा का चक्कर है तो किसी को सुंदरी का चक्कर है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुरा माने नशा,
बहुत से लोग तो नशे में, नशा मतलब कोई दूसरा नशा, नशा सबकी है, अपना अपना लोगों को नशा है। नहीं, किसी लोगों को ताश खेलने की नशा है, किसी लोगों को घूमने की नशा है। नशा मतलब आप समझ लीजिए, हमारा पूरा जीवन इसी दो में निकल गया। किसी को सुंदरी के, किसी की सुधा के, चारों तरफ से विद्यालय बना है, एक ये विद्यालय, एक ये विद्यालय, एक वो विद्यालय, बाप रे चारों तरफ मेरे विद्यालय है। विद्यालय के बाहर क्या लिखा रहता है, पढ़े हैं आप, असतो मां सतगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। हमें मरना नहीं है, हमें कहां जाना है, अमृतम गमया। हमारी यात्रा अमृत की ओर है, लेकिन इस अमृत की ओर की यात्रा में नहीं है हम। प्रत्येक मनुष्य अमृत ले सकता है, लेकिन दुख की बात क्या है, हमारा ध्यान ना अमृत में है ना हमारा ध्यान, और बस हम तो बस इन्हीं दोनों में फंसे। अब समझ में आएगा, अब अमृत का मतलब क्या, शरीर का नहीं, अमृत मतलब चल राग हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी अपनी दुनिया कहे, नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती हम रहेंगे नहीं है ना, लेकिन हमारे मरने के बाद दुनिया हमारा नाम याद रखे, यह है अमृत। आज भी हनुमान जी हमारे हृदय में, आज भी मीरा हमारे हृदय में, आज भी तुलसी कबीर हमारे हृदय में, यह है अमरत्व। क्योंकि शरीर हार्ड मांस का बना है, ये जल जाएगा,
बूढ़ा होगा एक दिन ये जर्जर हो जाएगा, लोग ले जाके चिता में छोड़ देंगे। लेकिन कम से कम साल में एक बार लोग हमारा नाम याद करे। गोस्वामी जी को गए कितने दिन होंगे, लेकिन आज भी हम जय बोलते हैं, ये है अमरत्व। लोग कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा, ये है अमरत्व, ये है अमरत्व। हमारे दुनिया में ना रहने के बावजूद भी लोग हमारा नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं ना। वैसे बोलना नहीं चाहिए, फिर ये सुन लो मुंगेर के लोग, अरे कम से कम एक पीढ़ी तो हमारा नाम याद रखेगी। फिर उसी वजह से सीधे सीधे हमारा ना रहने के बाद भी हमारा नाम लोग ले और श्रद्धा से ले। अगर आपको अमृत प्राप्त करना है तो आपको एक उपाय करना पड़ेगा, क्या? देवताओं के साथ मिलकर के मन को मथना पड़ेगा। मतलब परहित सरिस धर्म नहीं पाए। देवता का अर्थ क्या बोले? अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? क्या मेरे सामने देवता है कि देते हैं? एक तरीका बता दूं, सुन लो काम आएगा। अपना दुख दुख, सामने वाले का दुख ड्रामा, अपना कष्ट कष्ट, सामने वाले का कष्ट बा। ऐसा अगर आपकी सोच है, ये तो दैत्यों का लक्षण है। अपना दुख कुछ नहीं, सामने वाले के दुख में हमारा हृदय रोवे तो समझ नहीं, ये देवता है। सिने सिने सिने। एक बार दैत्यों ने कहा ब्रह्मा जी से, सुनिए देश भर में यज्ञ हो रहा है, हो रहा है तो सब जगह स्वाहा 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 हो रहा है। बोले होता ही है, यज्ञ में स्वाहा ही स्वाहा होगा, आहुति हमारी नाम की भी होगी। ओम दैत्याय स्वाहा, ओम राक्षसाय स्वाहा, ये क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा जी हमारी भी आहुति पढ़नी पड़ी, हमें क्यों मना कर दिया? हम सब हड़ताल पर बैठ गए, नहीं आहुति हमको भी मिलनी चाहिए। ध्यान दे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इनको समझाना बेकार है ना। अब जितनी मेरी बेटियां कथा में, बच्चे लोग हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में जल्दी आ जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम हड़ताल खत्म करो, कल एक भोज रखा है, तुम आना, उसके बाद हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आहा, सब लोग बड़े खुश हो गए, चलो ब्रह्मा जी ने हमको भोज पे भी तो बुलाया। हे भगवान, सुबह सुबह सारे दुष्ट एक जगह आ गए, सबके पत्तल में भोजन परोसा गया। ठीक है, और जैसे ही भोजन शुरू होने वाला था, ब्रह्मा जी ने कहा रुको खाओ मत। क्यों? एक नियम है बाबा, डेढ़ हाथ का डंडा, डंडा यहां से लेके यहां तक बांध दिया ब्रह्मा जी ने सबके हाथ में, यहां से लेके यहां तक हाथ तक बांध दिया। अब बोले अब भोजन करो। दैत्य लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा हाथ में डंडा बांध दिया और कहते भोजन करो, मुड़ेगा कहां? नहीं करो। अरे ये कौन बात हो गई, हाथ में बड़ा वाला डंडा बांध दिया और कहते भोजन करो। अच्छा आप कल्पना करो, हाथ में अगर डंडा बांध दिया तो भोजन ना उठेगा, अच्छा उठ भी गया किसी तरह तो फिर कहां जाएगा? बगल वाले के मुंह पे जाएगा, अब यहां तो जाएगा नहीं। आप बेचारे दैत्य परेशान, खाया कम छीटा ज्यादा। थक गए बेचारे, एक कौर नहीं खा पाए। ध्यान से सुना, ब्रह्मा जी ने कहा हो गया भोजन? बोले हो गया। तो
कुछ मिला ही नहीं, कहा भोज पे हैं और कुछ दिया ही नहीं आपने। बोले आओ क्या दूसरे कमरे में ले चलते हैं तुझे। हाँ सब खिड़की से देख रहे थे, वहां सब देवता बैठे हैं, ठीक है, सबके सामने पत्तल डाला। दैत्य ने कहा डंडा बांधो डंडा। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल बांधेगी, हे भगवान सबके हाथ में डंडा बांध दिया। भोजन शुरू हो जाए, देवताओं ने क्या किया, हाँ पत्तल बीच में रखा, एक उधर एक इधर बैठा, एक ने उठाया सामने वाले के मुंह में, उसने उठाया इसके मुंह में। देवते बोले ओ हो हमसे बड़ा गलती हो गई, सबका पेट भर गया। सामने वाला हमसे जो हो जाए वो सामने वाले के लिए, जो परमार्थ सोचे वही अमर है। तीसरा प्रश्न था कि आखिर राहु को ऐसा क्यों भगवान ने दंड दिया कि सिर काट दे। बहुत ध्यान से सुनो, देखो राहु आके बैठा, भगवान ने अमृत पिलाया, सूर्य चंद्रमा ने कहा ये दैत्य हैं प्रभु आपके आंखों में धूल झोंक दिया, भगवान ने सिर काट दिया। ये है लोग कथा में लोग कहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ऐसे धरती पर कौन माई के लाल पैदा हो गया जो भगवान के आंखों में धूल झोंके। है कोई? तो फिर भगवान ने सिर क्यों काटा? दो मिनट बड़े ध्यान से सुनो। शंकर जी जिस मोहिनी रूप को देख करके भ्रमित हुए, उसी रूप को देख करके राहु भ्रमित नहीं हुआ। तुरंत राहु ने पहचान लिया ये मोहिनी नहीं है, मोहन है। माया पति को पहचाना, माया के पीछे खड़े माया पति को पहचाना। मुस्कुराते हुए बोले अच्छा हम समझ गए। भगवान को पहचान लिया, बोले हाँ तो आओ। क्यों? जिसने मुझे पहचाना वही अमृत का अधिकारी है। जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया वो तो फिर देव है। तुम दैत्यों के बीच में क्यों बैठे हो? आओ। भगवान ने प्रमोशन कर दिया, है ना। अच्छा आप जितनी मेरी माता बैठे हैं ये बताइए, घर में पूजा पाठ होता है तो नवग्रह की स्थापना होती है? होती है। तो सात तो ग्रह है, राहु की तो क्यों क्यों पूजा करते हैं? कोई दैत्य की पूजा करेगा? तो फिर राहु और केतु पर हम फूल पत्ती सब क्यों चढ़ाते हैं? राहु दैत्य था, अब नहीं है। अब क्या है? अब देवता है। अब देवता हो गया, प्रमोशन हो गया। तो फिर गर्दन क्यों काटे? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित भगवान ने इसलिए गला काटा राहु को करना क्या चाहिए था? राहु को करना यह चाहिए था जब मैंने पहचाना तो तुम भी पहचानो, अपने बिरादरी के लोगों से कहना चाहिए था मैंने पहचाना अब तुम भी पहचानो। ध्यान देना कथा। देखो मान लो बाबा मैं जा रहा हूं, आप मुझे रास्ते में मिले, इंसानियत क्या कहेगी? आपको बताना पड़ेगा इंसानियत के नाते, शास्त्री जी आगे मत बढ़ो, रास्ता खराब है, इस रास्ते से चले जाओ, बोलेंगे ना। राहु ने सोचा बिरादरी जान हमारा काम बने, नोट कर लो। क्या भगवान कहना चाहते हैं जो बिरादरी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो अपनों का नहीं हुआ वो क्या भगवान का होगा? नहीं होगा।
इसलिए भगवान ने सिर काट दिया। इसके बाद बहुत बड़ी देवासुर संग्राम की कथा है, और उसके बाद फिर वामन चरित्र सुनना है। लेकिन सिर्फ दो बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद फिर वहां पर लेके चलू। सीधे वामन चरित्र में बड़ी सुंदर कथा है, प्रेम से श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद
देवासुर संग्राम दैत्य बड़े बुरी तरीके से हार गए, ऐसी बुरी हार दैत्यों की, क्योंकि अमृत का जो बेनिफिट है वो देवताओं को मिला। बड़ा दुखी हो गया राजा बलि, एकदम नहीं उदास। और दैत्यों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। गुरु जी के सामने आए, राजा बलि ने कहा, गुरुदेव अब जीवन में हम कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हमें अमृत से दूर रखा। नतीजा वो आज के बाद हम कभी भी युद्ध में देवताओं को परास्त नहीं कर सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, सुनो, सारा अमृत एक पलड़े पर, तराजू का एक पलड़े पर सारा अमृत रखो, और दूसरी तरफ गुरु की कृपा, आप जितने विशाल संख्या में लोग आए हैं, भारी कौन पड़ेगा? आपने कभी सोचा? आप जितने मेरे बुजुर्ग लोग कथा में, अमृत पीने के बाद भी राजा बलि ने 14 का 14 लोक जीत कैसे लिया? कोई अमृत काम आया? देवासुर संग्राम के बाद वामन चरित्र, और वामन चरित्र में राजा बलि के पास 14 का 14 भुवन है, तो फिर अमृत की क्वालिटी कहां चली गई? अमृत पीने के बाद भी देवता हार गए, कोई अमृत काम नहीं आया।
क्यों? ध्यान से सुनो, सारा अमृत एक दम है और गुरु की कृपा अकेले दूसरे दम है। शुक्राचार्य जी कह रहे इन सबके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा थोड़ी कम थोड़ी होती है। हमारे यहां कहावत है क्या, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। अगर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। दूसरी बात, आज तक हमने कथाओं में क्या सुना, गुरु भगवान से भेंट करा देता है। हाँ, भेंट करा देता है। गुरु की कृपा होती है तो प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं आपको आज कुछ अच्छी बातें बता दूं, कागज कलम हो तो लिख लीजिए। एक तरफ हम भगवान को रखें, दूसरी तरफ हम गुरु को। बाबा, भगवान हमें क्या देता है? जीवन देता है। लिख लीजिए, भगवान हमें जीवन देता है और गुरु हमें क्या देता है? जीवन मरण से मुक्ति देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान से सुनो, हमें जीवन मरण से मुक्ति दिलाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज लिख लो, भगवान की कृपा होती तो क्या होगा, खूब धन मिलेगा, खूब वैभव मिलेगा, है ना, माया। लेकिन गुरु की कृपा होती है तो माया से छुटकारा मिलता है। जैसे बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान माया ही देता है लेकिन गुरु माया से मुक्ति दिलाता है। अब बताओ, भगवान ने हमें जीवन दिया लेकिन गुरुदेव जीवन मरण से मुक्ति दिलाता है। भगवान माया, इसलिए भगवान का नाम मायापति है, मायापति मायादेव। लेकिन गुरुदेव की कृपा होती तो क्या होता है, माया से मुक्ति मिलती है। तीसरी बात, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, भगवान हमको दृष्टि देता है, आंखों में आई साइट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दृष्टि देता है। आज अगर हम देख रहे हैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं तो आंखों में दृष्टि है, इसलिए ये किसने दिया है, भगवान ने दिया है। लेकिन गजब क्या, भगवान ने हमें दृष्टि दिया है लेकिन गुरुदेव की कृपा होती है तो हम इन आंखों से दर्शन कर लेते हैं। साहब प्रेम से बोलो जैसे दर्शन, दर्शन में और दृष्टि में बहुत अंतर है। पत्थर में भी भगवान हमें दिखने लगेंगे, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो हम जहां देखें भगवान दिखते हैं। दिखता तब भी था लेकिन गुरु जी के चरणों का धूल हमने माथे पे क्या लगाई, अब हमें गोविंद दिखने लगे। वैसे अब तो मूर्ति दिख रही थी, यानी मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर में जब वहां जाते हैं तो हमें मूर्ति दिखती है, लेकिन गुरु की कृपा हो जाती है तो मूर्ति में दुर्गा जी दिखने लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये है गुरु की कृपा। राजा बलि सुपात्र है और शुक्राचार्य जी समर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी के बड़े शिष्य थे, बहुत शिष्य थे, लेकिन नरेंद्र सुपात्र था और परमहंस समर्थ था। गुरु समर्थ हो और शिष्य अगर पात्र नहीं होगा तो क्या ले लेगा। बात समझ में आ रही है? गुरु तो गुरु है, वो तो समर्थ ही है, लेकिन हम तो पात्र तो बने। पर क्या हुआ, गौतम बुद्ध
रोज शाम को कथा करते थे भगवान बुद्ध, तो उसी गांव का बाबा तो राजा रोज अपनी पत्नी के साथ आते थे कथा में। नतीजा क्या हुआ कि सब लोग नीचे बैठ के कथा सुनते थे, चाहे राजा हो चाहे रानी हो चाहे गांव के हो, और बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ के अपना प्रवचन करते थे। अच्छा, प्रवचन खत्म करने के बाद क्या होता है, पैर छूना पड़ेगा, जिसे आप सब आकर के व्यास नदी पर प्रणाम करते हैं तब जाते हैं। तो सब बारी बारी आते थे और प्रणाम करते थे। और देखो आश्चर्य क्या है, भगवान बुद्ध सबके सिर पर हाथ रख करके कहते थे, खुश रहो, आनंद रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन जैसे ही राजा और रानी दोनों आते थे प्रणाम करने, भगवान बुद्ध तो कुछ बोलते ही नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, राजा को बड़ा कष्ट हुआ, गुरु हमारे पर क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे, सबको आशीर्वाद देते हैं, एक बार मेरे ऊपर भी सिर रख करके बोल, हाथ रख करके बोलते तुम भी खुश हो जाओ, खुश रहो। बड़ा दुखी हो गया, भगवान तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान जान गए। भगवान बुद्ध ने क्या किया, दूसरे दिन प्रवचन में जब समाप्त हुआ, पैर छूने आए, तो राजा और रानी दोनों लास्ट में आते थे प्रणाम करने, जैसे प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो, कल कल मेरी भिक्षा तुम्हारे घर हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं, बुलाने के बाद गुरुदेव नहीं जाते किसी के दरवाजे पर। भगवान बुद्ध ने कहा, कल भिक्षा मेरी तुम्हारे घर पर है। अब क्या, राजा को ऐसा लगा कि मुझे तो भगवान मिल गए। बहुत ध्यान से सुनो, नतीजा रानी ने क्या किया, खुद अपने हाथ से बहुत सुंदर खीर बनाया, बुद्ध को खीर बहुत पसंद है, बहुत सुंदर खीर बनाया, सोने का पात्र, चांदी की थाल। भगवान बुद्ध आए, आसन दिया, थाल रखा, सोने के पात्र में खीर है। बहुत से लोग पढ़े होंगे इस चीज को। भगवान बुद्ध बैठे, रानी बड़ी विनम्र भाव से बोली, गुरुदेव बहुत श्रद्धा से खीर बनाया है, आप ग्रहण करो। अरे क्या हुआ, भगवान बुद्ध ने अपने झोली में से पात्र निकाला, भिक्षा पात्र, साधु है अपना पात्र रखते ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, देवी खीर तो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन तुम मेरे पात्र में डालो, इस पात्र में खाता हूं इसी में डालो। और आप जितनी मेरी माता लोग बैठी आपके लिए बता दूं, वो पात्र इतना गंदा था, इतना धूरा था, इतनी मिट्टी लगी थी, ऐसा लगता है बहुत दिन से इसको धोया नहीं, बड़ा विचित्र स्थिति। रानी ने कहा, सुनो गुरुदेव, रोज तो आप अपने पात्र में भोजन करते हैं, आज इसी पात्र में करिए, हमें प्रसाद में ये पात्र मिल भी जाएगा, और आपकी एक चीना, आपकी एक निशानी हमारे घर में हमेशा रहेगी, हम कहेंगे हमारे गुरुदेव उसमें भोजन किए थे। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो नियम है, मेरे नियम है, मैं किसी के पात्र में खाते ही, तुम इसमें डालो। रानी को बड़ा मन में संकोच, क्यों, इतना सुंदर मैंने खीर बनाया, खूब केसर इत्यादि रस डाल करके, मेवा डाल करके अपने हाथ से बनाया, तो ये गंदे पात्र में डालेगी तो क्या स्वाद मिलेगा गुरुदेव को, तो बार बार टाल रही थी। अंतिम में भगवान बुद्ध खड़े होकर के बोले, देवी आखिर तुम इसमें डाल क्यों नहीं रही हो, मुझे ये बताओ, खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में बोलना पड़ा, गुरुदेव क्षमा करना, मैंने खीर बहुत जतन से बनाया, अपने हाथ से बनाया है,
कश्मीर से विशेष रूप से मैंने इसमें मंगाई गई केसर डाली, एक से कीमती कीमती मैंने इसमें मेवा डाला, और आपका ये पात्र बहुत गंदा है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे ही रानी के मुंह से निकला, भगवान बुद्ध ने कहा, देवी हाँ, कुल मिलाकर के इस खीर की कीमत कितनी होगी? 1,000, 10,000, है ना? 10,000 की चीज तुम गंदे पात्र में डालना नहीं चाहती। मेरी तो बरसों की तपस्या है, मैं तुम्हारे हृदय रूपी पात्र में कैसे डालूंगा? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी तो बरसों की साधना है, कैसे डाल सकता हूं? तुरंत राजा और रानी चरणों में गिर करके बोले, गुरुदेव क्षमा कर। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में हमेशा ये प्रश्न था कि सबके ऊपर गुरुदेव हाथ रख करके कहते हैं खुश रहो, मेरे ऊपर क्यों नहीं? मैं समझता हूं तुम्हें इसका जवाब मिला होगा। 10,000 की मेहनत से बनाई खीर तुम मेरे पात्र में नहीं डाली, मेरे तो बरसों की साधना। रोए दोनों पति पत्नी, और चरण जब भगवान बुद्ध का एकदम गीला हो गया रोते रोते, तब भगवान बुद्ध ने दोनों के सिर पर हाथ रख करके कहा, अब खुश रहो। वैसे बोलो जय श्री कृष्ण। अब जीवन बदलेंगे, क्योंकि हृदय का जो मैल था वो आंसू बनकर के बाहर आया है। तो पात्र साफ होना चाहिए, जब तक पात्र आपका साफ नहीं है, गुरुदेव की तो बरसों की साधना है, एक दिन की थोड़ी, एक दिन की नहीं है। कोई भी गुरु की साधना एक दिन की नहीं होती, एक दिन सुबह उठ करके कोई गुरु नहीं बनता है, उसकी बरसों की ताप, उसका बरसों का साधना है। वो कोई भी गुरु आसानी से तुझे नहीं दे सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज राजा बलि ऐसा सुपात्र शिष्य है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव हम कभी नहीं जीत सकते आज के बाद। शुक्राचार्य जी ने कहा, मुझ पे भरोसा है? हाँ गुरुदेव, जाओ, ना कोई अमृत काम आएगा, ना कोई देवी देवता काम आएंगे। आज मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, नोट कर लीजिए, शिष्य बनना आसान है, ठीक है, लेकिन गुरु ने बोल दिए तो उस पर चलना। मंत्र मूलम, गुरु ने जो कहा वो मंत्र है, सीधी सी बात, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु ने कह दिया तो फिर उसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये गुरु के अनुमान है, सीधी सी बात, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। और राजा बलि निकले, नतीजा क्या हुआ? सबसे पहले स्वर्ग जीत करके चरणों में ला करके रखा, एक एक करके 14 का 14 भुवन आज गुरु के चरणों में ला करके रख करके राजा बलि ने कहा, गुरुदेव तब मेरे पास एक लोक था, आज आपकी कृपा से 14 भुवन का मालिक बन गया। 14 भुवन का मालिक सिर्फ एक है, कौन? स्वयं परमात्मा। 14 भुवन का मालिक और कोई नहीं। आज राजा बलि ने कल्पना एक लोक जीतने की थी, लेकिन गुरु की कृपा आज 14 का 14 लोक गुरु की श्री चरणों में पड़ा है। लेकिन शुक्राचार्य जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव अब जीतने लायक इस धरती पर कुछ नहीं है, धरती जीता, अंबर जीता, सब जीत लिया, लेकिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्या मुझसे कुछ अपराध बना? शुक्राचार्यों का नहीं, नहीं अपराध नहीं है। फिर मैं और कुछ सोच रहा था। क्या? बोले मैं ये सोच रहा हूं, अब तुम भगवान बन जाओ,
कल्पना करो आप। मैंने कहा ना, गुरु चाहे तो शिष्य को भगवान से भेंट नहीं, भगवान बना सकता है। भगवान ऑलरेडी है, लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं नारायण दो नंबर पर, मैं तुमको एक नंबर पर लाके खड़ा कर दूंगा। राजा बलि ने पूछा कैसे? बोले तुम्हें यज्ञ करना होगा। यज्ञ? हाँ। कितना? बोले 100। राजा बलि ने कहा गुरुदेव 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, और इंद्र तो मैं सबसे पहले बन गया, इसलिए इंद्र का नाम शतक क्रतु है। शतक क्रतु, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, शतक क्रतु। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। अगर आपने धरती पर आकर के 100 यज्ञ किया तो मरने के बाद पक्का आप स्वर्ग में इंद्र बनेंगे, इसमें दो राय नहीं। ध्यान से सुनिए, 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र बनता है। गुरुदेव आपने तो 100 यज्ञ का आदेश दिया। बोले 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, लेकिन वो 100 यज्ञ कहां होगा? नर्मदा के तट पर, पलथी मार के लेकर सौदा सीधे। कितने लोग नर्मदा स्नान के हाथ उठाए? नर्मदा जी एक और ही गजब। मुझे पता है मुंगेर के लोग बहुत तीर्थ करते हैं। वाह, जो नर्मदा स्नान नहीं किया, मरने से पहले बार जरूर से पूछो क्यों। हम तो गंगा के किनारे हैं, जमुना स्नान कर ही लिया, एक बार नर्मदा का स्नान करो। पता है क्यों? अगर घर में बैठ के हमने माला किया या कोई सत्कर्म किया तो 1 रुपया, मान के चलो हमारे खाते में 1 रुपया आया या 1 पुण्य बना, ठीक। घर में बैठ के सुबह हमने आरती जलाई और भगवान का ध्यान किया, माला किया, 1 रुपया कमाया। सोच लो, यही आरती, यही माला, यही पूजा अगर आपने गंगा के तट पर, गंगा के बिल्कुल किनारे, या किसी भी तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में नहीं, एक माला घर पे, अगर आपने यही पूजा किसी मंदिर में किया, मंदिर में, किसी देवस्थान में, देवालय में बैठ के किया, तो आपने 10 रुपया कमाया, 1 शून्य बढ़ गए, ठीक है। इसलिए लोग मंदिर में भी पूजा करते हैं, यानी कि रोज हम लोग 11 रुपया कमा लेते हैं, 1 रुपया घर में पूजा और 10 रुपया मंदिर की, तो 11 रुपया कमा लिया, ये हमारी कमाई है। अच्छा मान लो वही पूजा अगर हमने गंगा के किनारे या किसी तीर्थ में, अयोध्या में, काशी में, कहीं भी हमने किया, बाबा धाम में, कहीं भी तीर्थ जिसको कहते, तो 1 शून्य बढ़ा दो, कितना हो गया? 100 रुपया कमाया। कहां 1 रुपया, कहां 100। इसलिए लोग तीर्थ करते हैं, तीर्थ में किया हुआ प्रत्येक सत्कर्म 100 गुना फायदा देता है, और उल्टा भी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्या तीर्थ में अगर पाप किया तो जय सिया राम, तब तो 100 गुना बढ़ेगा पाप। इसलिए तीर्थ में जाओ तो केवल तीर्थ करने के लिए जाओ, घर में 1, मंदिर में 10, तीर्थ में 100। अगर वही आपने सत्कर्म नर्मदा के किनारे किया तो 1 शून्य फिर बढ़ा दो, 1000 गुना है, 1000 गुना। आप गंगा जी में से एक पत्थर उठा के लाओ, घर के सामने चबूतरा पर रख दिया, रोज जल चढ़ा दो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। लेकिन नर्मदा का हर कंकर शंकर, नर्मदेश्वर बोलते हैं, समझ में आ रही बात? नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध है, उसको प्रतिष्ठा की जरूरत, तो नर्मदा की बड़ी महिमा है। भगवान करे आप लोग नर्मदा स्नान जरूर करो। राजा बलि आज नर्मदा के किनारे, पहला यज्ञ संपन्न हुआ, दूसरा यज्ञ संपन्न हुआ,
तीसरा यज्ञ भी संपन्न हुआ, करते 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 99 यज्ञ हो गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन अब लेकिन क्या, अब आप कल्पना करो कितना जश बढ़ गया होगा, खाते में कितना पुण्य आया होगा। 100 यज्ञ 1000 से गुना करो, सोचो इतना यज्ञ कोई धरती पर करेगा, किसी का बस का नहीं है। 100 यज्ञ केवल नर्मदा के तट पर, दिन प्रतिदिन राजा बलि का यश आसमान छूने लगा। लेकिन 99 यज्ञ में टेढ़ी टांग वाला आया, फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। हे भगवान, इतने सुंदर भगवान, क्या नाम है इस अवतार का? नहीं, वामन थोड़ी है, उपेंद्र। क्या है? उपेंद्र। नाम तो मैंने पूछा, नाम उपेंद्र है, लेकिन लोग इनको वामन वामन कहते हैं। वामन इसलिए कहा जाता है, थोड़े से हाइट कम थी, प्रिंसिपल हाइट बहुत कम थी भगवान। रास्ते में लोगों ने रोका, रुको पंडित जी कहाँ? वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी हमारे जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ अभी हुआ है, बोले तुरंत अभी हुआ है, बस सीधे यहीं आया हूँ। और ये पात्र है, और ब्रह्मचारी जब बनते हैं, कोई जने होता है तो उसको भिक्षा मांगना पड़ता है। तो हमने सुना बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, तो हमको भी अगर कुछ दान दक्षिणा मिल जाती। द्वारपालों ने कहा, महाराज गड़बड़ है आज। क्यों? आज पूर्णाहुति का दिन, 100वां यज्ञ का आखिरी दिन, तो आखिरी दिन की आप भीड़ कल्पना करो कितना होगी, है ना? तो थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, आप अंदर नहीं जा सकते। राजा वामन भगवान ने कहा, तो ठीक है काम करो, क्या हम अंदर नहीं जा रहे, तुम राजा बलि को बाहर भेजो, हमको तो दान से मतलब चाहिए, अंदर मिले चाहिए, आप बाहर भेजो, जाओ जा करके संदेश दे देना। राजा बलि के पास द्वारपाल आए, और द्वारपालों ने क्या कहा सुन लीजिए। प्रभु, बहुत ब्राह्मण आए, बहुत ब्राह्मण, 100 यज्ञ कम होता है क्या? और हम सबसे प्रथम फाटक पर पहले पर हैं, जो भी आया सबसे पहले भेंट हमसे हुई, इतना तेजस्वी आज तो कोई ब्राह्मण को हमने नहीं देखा। अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन तेज ऐसा लगता है हजारों पूर्णमासी का चंद्रमा एक साथ धरती पर उतर गया। क्या बोलो जय श्री, क्या नजारा होगा, एक चंद्रमा इतना शोभायमान होता है, इतने सुंदर। अच्छा, हाँ वहां खड़े हैं, और ये राजा बोली यज्ञशाला से झांक करके देखे, हे भगवान, बगल में बेटी थी ना, नाम है रत्नमाला। बेटी ने जब भगवान की सुंदरता देखा, कितना पवित्र भाव, उसको लगा काश ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती, मैं इसकी मां बनती। भगवान ने उसकी भाव का सम्मान करते हुए हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहा, आहा क्या पवित्र भाव। लेकिन अब तो जन्म हो गया है, कोई बात नहीं, अगले बार आऊंगा तो जरूर तुम्हारा दूध पीऊंगा। बाद में सुकन्या को पता चला, केवल ये चेहरे से पूर्णमासी का चंद्रमा है, भीतर से अमावस्या की रात है, एक नंबर का कपटी, हमारे बाप को ठग लिया। नतीजा क्या हुआ? कन्या ने कहा, हम तुझे मार डालेंगे। भगवान ने कहा, तो तय कर लो, पहले दूध पिलाओगे कि मार डालोगे? बोले दूध पिला के मार डालेंगे। उतना मौसी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा बलि ने कहा, सुनो अभी तो पूर्णाहुति की तैयारी हो रही है, समय कुछ है,
है ना, अभी थोड़ा सा खाली समय है, चलो भेंट करते हैं, इतने बड़े सुंदर पंडित जी। राजा बलि आए और राजा बलि ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, दूर से ही प्रणाम करते हुए कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षां मन्यत्वार्येव वपुर्धनम्। आइए, स्वागत है आपका प्रभु। सच में आप बहुत सुंदर है, इतने सुंदर तो हमने कभी देखा ही नहीं, भगवान ने मन में सोचा होगा भी नहीं, और भगवान से सुंदर तो गुजरते कोई है ही नहीं। सुना अभी अभी आपका जन्म हुआ, लेकिन माफ करना पंडित जी, क्या आपका चेहरे पर तेज इतना है, कितना करोड़ों गायत्री जपने के बाद चेहरे पर जो तेज आता है वो आपके चेहरे पर अभी दिख रहा है। प्रभु से बोलो जय श्री कृष्ण, इतना तेज आपके चेहरे पर। आपने तो मेरा मन मोह लिया। एक बात और बताऊं क्या, अद्य नः पितर तृप्त अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य नः पितर तृप्त मतलब मेरे मन में क्यों ऐसा भाव जग रहा है, आज के बाद हमारे पितरों को जल देने की जरूरत नहीं है। मेरे पितर कह रहे हम पूर्ण हो गए, अब हमें जल की जरूरत नहीं है, हमारी गति हो गई। अरे क्यों नहीं होगी, परब्रह्म स्वयं दरवाजे पर आया है, जो पूर्ण है वो पूर्ण आया है। अब जब पूर्ण घर में आया तो घर में कोई अपूर्णता होगी, वंश में कोई अपूर्णता होगी, तो अब तो पितर सब तर गए। राजा बलि झूठ नहीं बोल रहा है, भगवान का दर्शन का यही फल है। पितरों को मुझे ऐसा क्यों नजर, मेरे पितर तर गए, मुझे तो लग रहा है पितर लोग उतर करके ऊपर गए होंगे, और पितरों ने कहा होगा अब मत पानी देना, क्यों मिल गया है। अद्य नः पितर तृप्त अद्य नः पावितं कुलम् मतलब मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्यस्तष्टु क्रतुरयम् यद् भवान् आगतो गृहाम्, आप हमारे घर पधारे, हमें ऐसा लग रहा है हमारा कुल भी तर गया, हमारा यज्ञ की भी पूर्णाहुति हो गई। क्यों, यद् भवान् आगतो गृहाम्, आप हमारे घर पधारे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी ऐसा मौका आता है, कैसा मौका, क्या सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। बड़ा सुंदर चौपाई, रोज नौकर नौकर मालिक के घर जाता है, रोज नौकर मालिक के घर जाता है, लेकिन आज उल्टा हो गया, क्या सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल स्वामी आगमनो,
ಸೇವಕ ಸದನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಮಂಗಲ ಮೂಲ ಅಮಂಗಲ ದಮನ ಕ್ಯಾ ಮಾಲಿಕ ಹಮಾರೇ ಘರ ಆ ಜಾಯ ರೋಜ ಕಾ ನಹೀ ಹೋನಾ ಹೈ ನಾ ಅಚ್ಛಾ ಏಕ ಚೀಜ ಔರ್ ಬತಾ ದೋ ಬಡೀ ದುರ್ಗಾ ಹೈ ತಮಾಮ ಮಂದಿರ ಹಮಾರೇ ಮಂದಿರ ಮೇ ಹೈ ಠೀಕ್ ಹೈ ಆಜ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಜಬ್ ಭೀ ಮಂದಿರ ಜಾಓ ಠೀಕ್ ಮೇರಿ ಏಕ ಬಾತ್ ಸುನ್ ಲೋ ನೋಟ್ ಕರ್ ಲೇನಾ ಲಿಖ್ ಕರ್ಕೆ ರಖ ಲೇನಾ ಔರ್ ಕರ್ಕೆ ಫಿರ್ ಹಮಕೋ ಬತಾನಾ ಪರ ಉಸ್ ವಜಹ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಕಲ್ ಸೇ ಮಂದಿರ ಜಾಓ ಠೀಕ್ ಹೈ आप लोग भी सुनो काम आएगा। और हम पूजा पता कैसे करते हैं क्या? हाँ सब समझ लो, शंकर जी का मंदिर ठीक है, घंटी बजाई मंदिर में जाती है, फिर लोटा में से जल शंकर जी को चढ़ाया, चंदन लगाया, बेलपत्र चढ़ाई, आरती उतारी, फिर जितनी दुख है सब रो दिया, रोज रोते ही रहते हैं, भगवान सुता आ गया अब रोएगा बैठ के, जब देखो रोता ही रहता है, जब देखो मांगता ही रहता है, जब देखो गिड़गिड़ाता रहता है। सुनो अब ये सब पूजा पाठ छोड़ो ठीक, अब सुन लो, भगवान से कुछ बोलो मत, जल चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, जो जो करना सब करो, और भगवान से धीरे से पास में जाके बोलना क्या, सुनो ठीक है, दिन में आपसे मिलने बहुत लोग आते हैं, मंदिर है तो आपसे मिलने लोग आए, शाम को भी आते हैं, दोपहर को क्या करते हैं, बड़े बड़े सोते होंगे, कहाँ बगल में हमारा घर है, अपना घर का एड्रेस बता देना ठीक है, भगवान से बोलना आओ चाय पानी करेंगे बैठ के, फिर से बोलो दूसरी जब सड़का होगा, अरे कभी कभी हमारे क्यों, हम रोज आते हैं, तुम कभी कभी हमारे घर पर भी तो आओ, हम रोज आते हैं तुम भी तो आओ, दूसरे दिन फिर जाओ पूजा करो, फिर धीरे से भगवान के कान में जाके बोलना सुनो आए नहीं, हमने वेट किया, फिर से बोलो जैसे तीसरे दिन फिर जाओ आज भी नहीं आए, अरे आइए चाय पानी करेंगे कब, सब आइए ना, रोज जाके बोलो आए नहीं, नहीं आए ही नहीं, क्यों नहीं आए, एक दिन शंकर जी कहेगा पार्वती हाँ ये रोज कहता है आए नहीं, चाय पानी करते आए नहीं, सुनो हाँ तैयार हो जाओ क्या, आज इसके घर चलेंगे, जिस दिन भगवान की बुद्धि बदल गई तुम्हारा तकदीर बदल गई, जिस दिन भगवान की बुद्धि घूम गई, रोज कहता आए नहीं आए नहीं, हमने वेट किया आए नहीं, अच्छा आप जितनी माता लोग झूठ मत बोलना, कभी मंदिर में जाकर के भगवान से बोले क्या आओ कभी हमारे घर में आओ, मंदिर में बैठे रहते हो, दिया न्योता दिया तो फिर कैसे आएंगे, रोज भगवान के सामने जाके बोलो, पास में ही तो घर है, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, आओ ना, अपने ही घर है ना, आओ चाय पानी नाश्ता करेंगे आओ, अब कोई जरूरी नहीं शंकर जी बैल पर ही बैठ के आवे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बैल में बैठ के आएंगे, कोई जरूरी नहीं है, अरे वो किसी रूप में आ जाए जी, किसी भी रूप में आ जाए, बस तुम आओ तो है? मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे घर आते हैं, कभी तुम भी हमारे घर आया करो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे घर आते हैं, हम रोज तेरे घर आते हैं, कभी तुम भी हमारे घर आया करो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे घर आते हैं, हम रोज तेरे घर आते
भगवान राजा बलि की बात सुन करके वामन भगवान तो इतने खुश हो गए, वामन भगवान ने मन में सोचा अब छोड़ूंगा नहीं कुछ, सब तो ही ले लेंगे। राजा बलि इतने भाव में आए, अरे सामने आनंद का सिंधु खड़ा हो, जिस ब्रह्म का दर्शन योगी हृदय में कर करके भाव विभोर हो जाते हैं परीक्षित, वो स्वयं भगवान मूर्ति मंदिर रूप में सामने खड़ा हो, भाव तो मुड़ेगा मुड़ेगा। मन तो कर रहा है आपको सब दो, हाँ अगर आपको कोई विशेष इच्छा हो तो वो मांगो। वामन भगवान ने क्या कहा, वाह क्या तूने स्वागत किया, सम्मान करना कोई तुमसे सीखे, क्यों नहीं तुम्हारे पिता यशस्वी थे। कौन है इनके पिताजी, महाराज विरोचन, और विरोचन की महिमा क्या पता आपको, धरती पर किसी ने सोना दान किया कर्ण, किसी ने गौ दान किया, किसी ने पृथ्वी दान की, किसी ने पैसा, किसी ने अन्न, लेकिन तुम्हारा बाप इतना यशस्वी था अपनी आयु तक दान किया। कथा आप सब जानते होंगे, इंद्र वेश बदल के आया, आकर के बोले मैंने सुना आप तो बड़ा दानी है। राजा विरोचन ने कहा लोग कहते हैं मैं हूं नहीं। अच्छा हम तो मांगने आए हैं, विरोचन ने कहा मांगने में देर हो सकती है लेकिन मुझे देने में नहीं, मांगो तो। बोले ऐसे नहीं, फिर हाथ में जल ले लो। विरोचन ने कहा हाथ में जल ले लिया, बोलो। पंडित जी ने कहा संकल्प करो, क्या आज से। राजा विरोचन ने कहा आज से जो भी मेरा है, विरोचन ने कहा जो भी मेरा है सब कुछ, सब कुछ पंडित जी तुमको दे रहा हूँ, पंडित जी तुमको दे रहा हूँ, दे दिया।
मुकुट उतारा पंडित जी के कदमों में, कुंडल उतार के रख दिया, सारा जेवर उतार के रख दिया, घर वाली से कहा चलो प्रेम से बोलो जयश्री निकल गए। कल्पना करो, एक सेकंड नहीं लगा, सब कुछ उतार के वहीं रख दिया। बोले पंडित जी अब तुम राज करो, हम भजन करेंगे प्रेम से बोलो जयश्री कृष्ण। अच्छा हुआ पीछा छूट गया, अब तुम राज संभालो, हम जंगल संभालेंगे भजन करते। निकलने लगे, इंद्र ही था, हाथ पकड़ करके बोले रुकिए, क्या आपने सपने ही दिया? क्यों? मुकुट आपका, खजाना आपका, राजा आपका, पाठ आपका, सब आपका, मैं चला? बोले नहीं, फिर आपकी आयु भी तो है, सब कुछ है, आपकी बची हुई आयु वो कहां है? तुरंत दोबारा हाथ में जल लेकर के बोले अपनी आयु भी मैं पंडित जी आपको दे रहा हूं, ऑन द स्पॉट मर गए प्रिंस गुरु जैसे। तुरंत मृत्यु को गले लगा करके कहा अब एक सांस नहीं दूंगा, आने वाली सांस अब आपके घाते में। इतना बड़ा यशस्वी बाप का बेटा तो, अब तो राजा बोली फूल के गुब्बारा हो गया, बाप की पढ़ाई करके कौन है? अभी खत्म नहीं हुआ क्या? तुम्हारा बाबा, ग्रैंडफादर, दादाजी, ये कौन है? प्रहलाद, स्वयं भक्त प्रहलाद, जिन्होंने खंभ से भगवान को प्रकट किया, और तुम्हारा परदादा कौन? हिरण्यकश्यप, उस वंश परंपरा में तुम हो, तुमसे तो यही उम्मीद भी होगी लोगों को प्रेम से बोलने से। लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ क्या करूंगा? क्यों? उस एकांत में बैठ के भजन करना है तो तीन पल, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समित्तानि पदा मम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तीन पग भूमि दे दो। जैसे ही राजा बलि के कान में आवाज गई, बलि इतना जोर से हंस करके बोले पंडित जी हाँ क्या मांगा? तीन फुट होता कितना है मातलों को मालूम है? जितना मैं आसन पर बैठा हूं ना, ये जो व्यास गद्दी लगी इतना ही है, तीन फुट लगी, तीन फुट भूमि। महाराज 14 भुवन का मालिक और आप 3 फुट मांग रहे? 30,000 गांव ले लेते, 30,000 गांव। अगर मेरा अंदाजा सही है तो पूरा बिहार में कितना हजार गांव होगा? आधा बिहार समझ लो, आधा बिहार 30,000 गांव, इतना तो हो गया। कल्पना करिए 30,000 गांव। अरे यहां तक आप सब कुछ मांगते, खुशी खुशी देता पंडित जी, आपको मांगना नहीं आया। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते व्रत संबते तुम बालो बाली शमति ही। आप अभी बच्चे हैं और मति भी आपकी बचपन की है, इतना मांगो दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। वृंदावन बिहारी लाल की है, वामन भगवान ने कहा रुको, क्या ये तो तुमने अपने पैर से नाप के दिखाया, हम तो अपने पैर से नापेंगे बोलो कृष्ण का नैया लाल की। अब तो राजा बोली बोली हे भगवान आपने तो हद कर दी, क्यों? कुल मिलाकर के आप 1.5 फुट के हैं, 1.5 फुट के आप छोटे छोटे पांव इसे नापेंगे तो 3 फुट छोड़ो, बस 1 फुट में पूरा हो जाओगे। क्या मांग रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनो, राजा बलि से ब्राह्मण भगवान ने कहा ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण को क्या, सबको संतोषी होना चाहिए। क्यों? संतोष नहीं आएगा तो जीवन इसी में निकल जाएगा, और फिर मुझे उतना ही जरूरत है, करूंगा क्या मैं इतना, भजन ही तो करना है। लेकिन दोनों में ऐसी कहा सुनी शुरू हो गई, ध्यान से सुनना, शुक्राचार्य जी आ गए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो शुक्राचार्य जी की तो बाप रे, पैर तले मिट्टी गरम हो गई। क्यों? चेला ने नहीं पहचाना, लेकिन गुरु जी तो तुरंत पहचान गए, ये बहुना नहीं है,
ये बौना नहीं है। चेला का हाथ पकड़ करके बोले, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं ये? हाँ, राजा बलि ने कहा, गुरु जी अच्छा हुआ आप आ गए, क्यों? बिरादरी आपकी है, बिरादरी आपकी है, पंडित जी हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, मत बोलो। क्या बिरादरी? क्यों? इसकी कोई बिरादरी नहीं है। मतलब मौका देके बिरादरी बदल लेता है जैसा मौका वैसा बिरादरी ढूंढ लेता है। कभी क्षत्रिय बन जाएंगे तो कभी यादव जी बन जाएंगे, कभी पंडित जी बन जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। माता लोग को बात बड़ी अच्छी लगेगी। सुबह सुबह का टाइम था, ठीक है, भगवान पालना से उतरे, कन्हैया जी पालना से उतरे, उतरते ही सीधे चले गए रसोई घर में, किचन में, आज की भाषा में बोले, और पेट पर हाथ घुमा करके बोले, भैया अरे बड़ी भूख लग रही है, लाओ कुछ लाओ। नंदरानी बोली, हे भगवान न मुंह धोया ना कुछ खाना दे, जल्दी जाकर के मुंह धो। बोले नहीं मैया आज पहले ही खाएंगे। हे भगवान न नहाता है न धोता है, ऐसा लगता है पिछले जन्म का सूकर था क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने तो मजाक में कहा, क्या लगता है पिछले जन्म का सूकर? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, माता जी हाँ तुमने एकदम सही कहा, क्या हम ही तो सूकर थे। अब वराह भगवान और कोई है क्या? वराह भगवान कौन है? यही तो है, इनकी कोई बिरादरी नहीं है। अच्छा मांग क्या रहे? तीन पद। आप तो कंफर्म हो गए, आप जितने लोग कथा में आए, ये जो तीन पग है ना, इसको आप लाल स्याही का घेरा में रखिए, तब आपको कथा अच्छी लगेगी। तीन पग ना आप अंडरलाइन कर लेना, तीन पग। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, सुनो तुम दान करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, वेद पढ़े हैं? भगवान ने कहा हाँ। पूजा पाठ की जानकारी है? बोले हाँ। ये बताइए सबसे पहले क्या होगा? बोले हवन। हवन के बाद क्या होगा? पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के बाद क्या होगा? आरती। आरती के बाद क्या होगा? ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन के बाद क्या होगा? तब जाकर के दान दक्षिणा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यानी कि आपको दान दक्षिणा बाद में मिलेगा, ये नियम हमारे पे लागू नहीं है। समिति के लोग बड़े जोर से हंसने लगे, मजाक में कह रहा हूं। हाँ, सबसे पहले क्या होगा? यज्ञ संपन्न होगा। यज्ञ संपन्न होने के बाद आरती होगी। अच्छा आप जितनी माता जी बताओ, आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो पंडित जी को दक्षिणा कब मिलेगी? लास्ट में जाते समय, तब विदाई दक्षिणा मिलती है। अभी पूर्णाहुति हुआ नहीं, आरती हुआ नहीं, ब्राह्मण भोजन हुआ नहीं, तो पहले दक्षिणा कहां से मिलेगी? आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप तीन ले लो, तीस ले लो। अपनी भौं टेढ़ी करके शुक्राचार्य जी ने कहा, एक चवन्नी नहीं मिलेगी। तुमने क्या समझ लिया है? तब चेला को तूने ठगा, लेकिन आज तुम ठग नहीं पाओगे। क्यों? उस समय मैं नहीं था, समुद्र मंथन में तुमने मेरा चेला को ठगा, मैं नहीं था। चेला बाद में, सबसे पहले तुम मुझसे बात करो। अपूर्णाहुति हो गए तो भगवान भी कुछ नहीं ले सकते, फिर तो भगवान बन जाएंगे। बात समझ में? तो पंडित जी जाके पेड़ के नीचे बैठो, हवन हो जाए, आना, तीन नहीं तीस नहीं।